हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है संडे और मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30 और आज जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:30 बजे से। और सबसे पहले अभी नाश्ता बनाना है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और आई नो कि बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहे हैं और बिल्कुल भी ब्लॉग जो है रेगुलर नहीं है, तो अब मैं धीरे धीरे रूटीन में लाने की कोशिश करूंगी, ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले बनाना है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे मूली का पराठा बनाएंगे, तो मूली का पराठा बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आगे का जो भी ब्लॉग रहेगा आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि जो हमारा नाश्ते का टाइम है वो 9 बजे का है। तो फटाफट बना लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं मूली के पराठे। और यहाँ पे मैंने जो मूली लिया था उनको अच्छे से धो के और उसके उसको कद्दूकस कर लिया छिलके उतार के। और इनमें जितना भी पानी है इसको मैं अलग कर दूंगी पानी, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो फिर वो पराठे जो है ना गीले गीले से बनते हैं। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी लहसुन। तो कस्तूरी लहसुन मैंने कट करके रख लिया था, इसको ऐड कर दूंगी। और मिर्ची जो है इसको अभी ऐड नहीं करूंगी, इसको मैं बाद में ऐड करूंगी। और इसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाले और ये मैंने ले लिया है मिर्ची। और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और हींग डाल दूंगी और थोड़ा सा डाल दूंगी 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच डाल दूंगी रेड चिल्ली कलर के लिए। और सब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा के रख दिया था और इसके लिए हमें सॉफ्ट सा आटा चाहिए होगा। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है और थोड़ा सा रिफाइंड मैं हाथ में ले लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से आटे को अच्छे से सेट कर दूँगी दोबारा से। तो अब मैं बना रही हूँ मूली का पराठा और तो अब मैं बनाने वाली हूँ पराठा और चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और इसका बना दिया है लोई, जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा लोई लिया हुआ है। और इसको बेलने के लिए हमें गोल नहीं बेलना है, इसको थोड़ा लंबे में ही बेलना है हमें इस तरीके से। और इस तरीके से बेल देंगे इसको लंबे में। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया है इसको। तो अब इसके आधे हिस्से में हम जो भी पराठा, जैसे हमें गोभी का भी बनाना है तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं, तो इसको भर दूंगी। और मिर्ची अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मिर्ची बाद में मैं जब जिसको खाना होगा तो उसी के लिए डालूंगी। और इस तरीके से इसको आधे में बनाऊंगी, तो इस तरीके से बेल दूंगी इसको और हल्का सा ऑयल लगा के इसको सेक दूंगी इस तरीके से। तो ये हो चुके हैं हमारे मूली के पराठे तैयार। तो इस तरीके से अच्छे से सेकना है बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मैं बनाती हूँ सारे मूली के पराठे, इसी तरीके से सारे बना दूंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, अभी 9 बजने वाले हैं, तो फटाफट बना देती हूँ और सबको खिलाना भी है, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पीहू आपको नहीं पीयू आपको चाहिए यू भी आपको ठीक, मैं वापस ले जा रही हूँ। कोई नहीं खा रहा है, अब है मेरा नंबर। तो चलिए, तो दोस्तों सबने खा लिया है, अब है मेरा नंबर और मैं लेके आ चुकी हूँ पराठे। और मुझे अचार के लिए मना किया हुआ है तो मैं खा रही हूँ सॉस के साथ। वो पराठे सीधे ऐसे तो खाए नहीं जाएंगे, चाय बाद में बनाएंगे। और डॉक्टर ने मुझे अचार के लिए मना किया हुआ है तो मैं सॉस के साथ खा रही हूँ। पहले फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। यू भी और खाओगे? आ जाना।
यूं खाना ऐसे। तो पीहू जो है मुझे वीडियो बनाने की कुछ टिप्स भी साथ में दे रही है, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। और बहुत सारे काम है और बहुत सारी बातें हैं जो करनी है आपके साथ। सब लोगों ने आज छत में जाके धूप में पराठों का मजा लिया, तो बहुत टेस्टी पराठे हो रहे हैं मूली के। और बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मूली के पराठे बनाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि बना नहीं पा रहे थे, तो आज बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी खाइए और मैं भी खा रही हूँ और फटाफट खा के, और क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे हमेशा जो है संडे को हम संडे को क्या नॉर्मली जो नॉर्मल डे में भी हम 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है 9 बजे तक कर लेते हैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। तो फटाफट मैं खा लेती हूँ और उसके बाद आपको आगे का वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद, तब तक के लिए। तो मम्मी ने बना दी है चाय और वो ले गए हैं अपने लिए, मैंने बच्चों को नहला दिए हैं, अब मैं अपने लिए और इनके लिए चाय रख देती हूँ। तो चलिए, तो मैंने रख दिया है चाय और मम्मी ले गई है, और अब ये मेरा और इनका है। मम्मी मिलने बना दो, बंद कर दो। तो बच्चों को नहला दिया है, कपड़े वगैरह मशीन में लगा दिए हैं, और अभी टाइम हो चुका है आपका 11 बजने वाले हैं। तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 11 बजने वाले हैं, और उसके बाद दिन का भी खाना वगैरह संडे के दिन ऐसे ही रहता है, खाना पीना सब वैसे ही रहता है, बस खाना ही बनाते रहते हैं संडे के दिन। तो संडे के दिन ऐसे ही रहते हैं, अभी 11 बज रहे हैं और फिर 12:30 बजे दिन का खाने का जो है वो तैयारी हो जाएगी। तो मम्मी ने अभी छत में गेहूं वगैरह डाल दिए हैं और उसके बाद अब मेरे को भी छत में भी जाना है। और ये मेरी स्कूटी रखी हुई है और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, देखिए इतनी धूल मिट्टी है ना ऑफिस के आसपास में, तो ये बहुत गंदी हो रखी है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी, बट साफ हो नहीं पा रही है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए साफ बिल्कुल कपड़ा मारने की भी इसको मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और ऑफिस के लिए भी मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है ना वहीं वहीं पर कपड़ा लगा देती हूँ, बाद इसको ऐसे ले जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर वगैरह ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो देखती हूँ। आज तो मुझे टाइम लग नहीं रहा कि ये हो पाएगा, तो आज तो मुझे लग नहीं रहा कि ये क्लीन हो पाएगा, और तो देखती हूँ अगर टाइम मिला तो आज कर दूंगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट संडे का देखेंगे। और तो हार्दिक आ जाओ, चलिए चलती हूँ और आगे का ब्लॉग जो भी है उसको कंटिन्यू करती हूँ। और ये भी अंदर अभी फोन में ही लगे हुए हैं और बच्चे इधर खेल रहे हैं, तो चलिए चलती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो आप पूरा वीडियो पे बने रहें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक वाइक कर देना, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना, क्योंकि उस पर भी मैंने काफ़ी फनी फनी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ में भी मैंने अपलोड करी हुई हैं। तो इंस्टाग्राम मैं बहुत पहले से यूज़ नहीं कर रही हूँ और अभी 1 या 2 महीने हुए हैं, उस पर भी मेरे 1-2 महीने में काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हो गए हैं। तो उस पर जाके भी अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और छत में भी जाना है और दवाइयाँ भी खानी है, मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी है, दवाइयाँ खा लेती हूँ उसके बाद छत में चलते हैं।
से बच्चों के पेपर होने वाले हैं, तो कल से बच्चों के हार्दिक यूपी के पेपर होने वाले हैं, तो उनको अभी पढ़ाई भी करानी है। तो ज़्यादा ब्लॉग जो है कंटिन्यू आगे ना करके अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और तो आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और तब तक मैं पीती हूँ कॉफ़ी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।